भरतपुर रूपबास कस्बे में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने एक रैली निकाली और विरोध प्रदर्शन किया। रूपबास में सीओ सर्किल खुलवाने की मांग को लेकर एसडीएम राजीव शर्मा को ज्ञापन सौंपा गया था, जिसमें सीओ सर्किल खोलने के अलावा राजस्थान सरकार से 11 सूत्रीय मांगों को लेकर मांग की गई थी। उन्होंने कहा कि अगर हमारी मांगे नहीं मानी गई तो मजबूर होकर हमें उग्र आंदोलन करना पड़ेगा। इस मौके पर बीजेपी शहर मंडल अध्यक्ष नवीन दुबे, टीकम सिंह, नेत्री ऋतु बनावत, सतेंद्र गोड़, बबलू राठौर, हरभान सिंह, सुनील पाराशर, राम अवतार, मनीष परमार, सत्यप्रकाश गुर्जर, महावीर भंडारी, रामदयाल कोली, कृष्णा डागुर और सैकड़ों बीजेपी कार्यकर्ता मौजूद रहे। भारतीय जनता पार्टी के तीनों मंडल, रोदावल मंडल, रूपबास शहर, रूपबास ग्रामीण के द्वारा समूची जनता की ओर से और भारतीय जनता पार्टी के संगठन की ओर से 11 सूत्रीय मांगों का आज हमने एसडीएम साहब के द्वारा जो ज्ञापन राजस्थान सरकार को दिया है, वो बड़े मजबूरी में बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि राजस्थान सरकार को 4 साल पूरे हो गए, समूचे क्षेत्र की वो कंडीशन हो गई है कि आज भिकमंगा इस सरकार ने कर दिया है आम जन को। व्यापारी खुश नहीं, नौकर खुश नहीं, आज के जो हालात हैं, सबसे बड़ा जो हमारा मांग है, मुद्दा है, जो कि हमारी इतनी पुरानी तहसील, इतना पुराना उपखंड और सीओ सर्कल उच्चैन में रूपबास को लगा दिया गया है, जो अभी थोड़े दिन पहले खुला है। ये जो सरकार की तानाशाही है, वहाँ पर एक अवाना विधायक है, उनकी तानाशाही है, क्योंकि उसको पूरे राजस्थान में कहा जाता है कि दूसरे नंबर का सीएम है, तो इसे ये सौतेला भार रूपबास के साथ किया गया। जो हमारी पहली मांग है वो ये मांग है कि रूपबास में सीओ सर्कल स्थापित किया जाए। हमें से कोई दिक्कत नहीं, उज्जैन में हो, बयाना में हो, भरतपुर में हो, हमें रूपबास में, हमारी मांग है कि रूपबास में स्थापित किया जाए। जो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो 11 मांग हैं, वो ऐसी मांग है, पेयजल है, बिजली है, बिजली की दरें बढ़ा दी इन्होंने, और उधर वो बस स्टैंड है हमारा, और जो किसानों का खराब हुआ अभी थोड़े दिन पहले, उस कंपनी की थ्रो सर्वे अलग हुई, प्रशासन की तरफ सर्वे अलग हुई, एक पैसा नहीं मिला, और उसका किसान का पूरा बीमा पर खेत पर बीघा के हिसाब से कट रहा है, फिर भी उनको कोई बीमा नहीं दिया गया। 3500 रुपये सरकार ने युवाओं को वेतन भत्ते का, वो युवा भत्ते का जो वायदा किया था वो नहीं दिया। इनके एजेंडे में था कि हम 5 साल में कोई वो नहीं बढ़ाएंगे बिजली की दरें, बिजली की दरें 3 बार बढ़ चुकी हैं। 10 दिन का ये वायदा करके गए, राहुल जी आए विधानसभा बयाना में कि 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10 दिन में कर्जा माफ़, आज तक कोई पैसा माफ़ नहीं हुआ इन्होंने। जो और जो क्षेत्र की जो कंडीशन है, आपने अभी थोड़े दिन पहले सुना होगा सीएम के मंच से, हमारे महाराज साहब कैबिनेट मंत्री ने कहा था कि मंत्री जी शर्म करो, यहाँ की स्थिति ऐसी है कि गड्ढे और कुएं की तरह हो गए हैं, और हमारी माता बहन कोई प्रसूता तो हो तो उसका भी डिलीवरी वहीं हो जाएगी, ये कंडीशन है। हम निवेदन कर रहे हैं हम सरकार से, एसडीएम साहब के माध्यम से, कि 4 साल से जो कंडीशन बनी है, ये सरकार 4 साल से कहाँ गई थी। हमारा जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से विरोध है, हम वो कंडीशन बना देंगे कि सरकार को मजबूर होना पड़ेगा और हमारी मांग माननी पड़ेगी, और ये हमारी पूरी भारतीय जनता पार्टी दृढ़ संकल्प है इस काम। भरतपुर से कैमरा पर्सन मनीष शर्मा के साथ सतीश सारस्वत की रिपोर्ट।